हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिट पाट ही होंगे। आज फिर से आ गया हूँ बहुत दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए। आप लोग मिलता टॉपिक ये है कि आज मैं जाऊँगा एक केस खरीदने के लिए सेपरेट, क्योंकि मुझे जो लगता है कि ये वाला जो कमरा है ये तोड़ा जा सकता है और यहाँ हम अभी नहीं रहने वाले हैं, कहीं अब दूर जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक केज है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, उनके पास उनसे वो केज लेके आना है। और वो केज का जो साइज है लगभग, पहले भी उसके घर पे मैं काम करके आया था, उस समय मैंने उस पर पेंट वगैरह किया था, उसके बाद उन्होंने जाली वाली लगा के फिट करके रखा, लेकिन उसमें चिड़िया वगैरह नहीं पाला पाला भी होंगे तो यार तो सनकनों रखा होगा, वो भी ज़्यादा दिन नहीं लगता है। वो अभी सेल आउट करना चाह रहे, तो वो कह रहे कि अभी कुछ पालना नहीं है, मैं उनको सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो चलेंगे उनके पास, देखेंगे। और उनका साइज उन्होंने जो उस समय मुझे लगा 8x3x2x2 का है, तो वही वाला साइज है। और मैं जाऊँगा उनके घर पे और वो कह रहे थे कुछ और भी सामान है वो भी ले जाना। अभी चलेंगे उनके साथ घर पे और क्या क्या है उनके पास वो भी देखेंगे, और उन्होंने क्या क्या दिया है क्या क्या देंगे वो सब देखेंगे और लेके आएंगे अपने घर। और वो जो सेटअप है वो वाला भी सेटअप मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा, वो मैं अपने गांव कनकपुर में ले जाऊँगा, वो उत्तराखंड में नहीं ले जाऊँगा, वहीं रखूँगा। वहाँ से जो भी सामान आएगा अधिकतर सामान जो है वहीं रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं उनके घर पर और जाके देखते हैं क्या क्या सामान दे रखते हैं और क्या क्या अभी लेना है उनसे। क्या सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रख लिया, लेके चले जाना। क्या कुछ हांडी वगैरह भी है वो भी देखेंगे, वो भी लेके आएंगे। कुछ उनके घर पे भी है, कुछ कनकपुर ले जाएंगे, कुछ इधर भी लेके आएंगे, इधर भी कुछ चाहिए होगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या लेके आ रहे हैं हम उनसे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये देखिए केज, ये है हमारा केज। हमने अभी तक मापा तो नहीं है, इससे पहले एक बार मापा था ना यहाँ पे ब्रीडिंग। 3x2x8 है, 8 फीट। और ये है देखिए, यहाँ से और तरह लगा सकते ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह। बाकी देखिए पीछे से पूरा नया का नया है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए पूरा पहले सनकनूर थे, दो चार दिन रखे थे उसके बाद। और ये है ब्रीडिंग बॉक्स, देख पा रहे हैं ये ब्रीडिंग बॉक्स ले आए हैं। इसमें 5 बॉक्स है और ये घर जाके साफ सुथरा भी करना पड़ेगा, पेंट ऑन भी करना पड़ेगा। ये भी मुझे मिला है, इसमें ये भी ले जा रहे हैं। ब्रीडिंग बॉक्स सही है, बढ़िया है, नया है, इसमें भी ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देख लें, अब देख पा रहे हैं। बाकी तो ये देख ही रहे हैं ज़बरदस्त। बाकी स्टेक वगैरह सब लगाई है, अब मैं इसके खाली बस बना जाके घर पे। ये तो अभी यहाँ से कनकपुर जाएगा, सीधा कनकपुर लेके जाऊंगा और वहीं रखूंगा। तब ज़्यादा देर ना करती है, और भी मेरा आने वाला है टुकटुक, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। लोडिंग हो गया और हम चल दिए घर की तरफ जाने के लिए। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और ये देखिए यहाँ रख दिया, रखने के बाद सेट आउट कर दिया और देखिए यहाँ रख दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, यहाँ रखा इसके ऊपर, ये कुछ बॉक्स भी रख दिया ये, और देख पा रहे हैं सही है, इस जगह पे रहेगा भी। और उस समय दिखा है नहीं, ये देखिए यहाँ पे ट्रे लगाने का भी सिस्टम है, मैं अच्छी तरह दिखा नहीं पाया था, इस बार दिखाएं मुझे। ट्रे लगाने का सिस्टम भी है, यहाँ से ट्रे लगा सकते हैं आप अगर बनाते हैं तो। मैं तो ट्रे नहीं लगाऊंगा। और ये गेट है, स्टेक लगाए है, ये देखिए यहाँ से दरवाज़ा है। मैं तो इस यहाँ से अब सोच रहा हूँ बड़ा करके काट के यहाँ से बड़ा दरवाज़ा बनाऊंगा ये सारा निकाल के। और ये जो है यहाँ से भी एक ट्रे लग जाएगा, और नीचे देखिए नीचे भी एक ट्रे लगाने का सिस्टम है, यहाँ भी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त है, देख पा रहे हैं।
मैं यहीं रख दूंगा इसको, जब ज़रूरत होगा तो वहीं ले जाऊंगा, फिलहाल तो यहीं रहेगा सेटअप इसको। और बाकी जो केज वगैरह है मैं अपने उधर अपना गाँव घर पे रख दिया, वो वहीं रहेगा। जब भी टाइम मिलेगा तभी जाके लेके आऊँगा, वहाँ यहाँ से ले जाऊँगा या तो मैं यहीं रहने दूँगा। बाद में जो है कलर वगैरह जो है वो बाद में देखा जाएगा। और इस साइड से आप देख पा रहे हैं ये सारा जाली वाली बढ़िया है, नया है एकदम, जाली में जंग वंग कुछ भी नहीं आया। तो चलिए चलते हैं वो वाले कमरे में, मैं क्या क्या लेके आया दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स, मैंने बॉक्स में से सारा सामान जो है कबाड़ वो सारा निकाल दिया है, निकाल के नीचे रख दिया। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ थोड़ा सा इसमें जो है गीला होने के कारण ये देखिए कबाड़ था, ये कबाड़ सारा निकला इसके अंदर से, ये सारा कबाड़। तो ये मैं सारा गीले थे उस चक्कर में मैंने ये सारा बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना इसमें सर रहा था, तो मैं सोचा इसको निकाल के फेंक देते हैं और इसमें बाद में पेंट करूँगा। और इधर है कुछ मटके, ये भी है ये देखिए इसमें कुछ मटकियाँ हैं। और ये भी बढ़िया तरीके से हमने बांध बूंद के लेके आया हूँ, इसे कमरे में रखना है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें नहीं रहेगा। कुछ जो है सामान घर पे भी है वो भी दिखाऊंगा, अपने घर पे भी लेके गया हूँ। बाकी जो मटकियाँ हैं ये यहीं रहेगा, और ये भी इसे भी सेट करके रखना पड़ेगा मुझे, जो लगता है यहाँ पे भी सेट नहीं है क्योंकि बच्चे बच्चे आते रहते तोड़ फोड़ देगा। तो मैं यहीं से कहीं और भी ले कमरे के अंदर लगा दूंगा ये बाद में। तो ये कोई नहीं, मेरा दादी रख लेगी। मैं अभी चलता हूँ घर पे, और चलिए घर पे चलते हैं और घर पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है हमारे। फाइनली मैं अपना घर पहुँच गया हूँ, और ये है मेरा पिंजरा कॉलोनी के अंदर। और ये देखिए इसमें भी कुछ और भी मटकियाँ हैं, ये भी लेके आया हूँ उनके घर से। कुछ जाली है, कुछ तार हैं, ये देखिए बंडल सारा मैं उनके घर से लेके आया था, दे दिया। बाकी ब्रूडर है इसके बारे में तो बता ही दिया था आपको, भी लेके आया हूँ। वीडियो यहीं तक ही था, बताइएगा कैसा लगा ये सब, और मेरा के जो है वो पिंजरा कैसा लगा सेपरिंग, क्योंकि उसी को लेके आऊँगा। और बाकी जो लवबर्ड्स का जो सेटअप है उसको मैं अब इधर अंदर रखूँगा, और इसे भी सेटल करना है, इनको भी हटा उठा के थोड़ा ठीक ठाक करना है। बाकी बाहर का जो लबट का पिंजरा है वो मैं इस कोने में रखूँगा, और इसको जाके वहाँ रखूँगा, मतलब ऐसे सेपरेट बाई सेपरेट में इसको इस प्रकार रखने की कोशिश करूँगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपके साथ, आप लोगों के पास। तो वीडियो यहीं तक ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।